पुराने और नए की जंग हर दौर में जारी रहती है। यही वजह है कि हमारे आसपास की दुनिया बदली रहती है। किसी पुराने मारुति की जगह कोई नया खिलाड़ी लेता है। शेयर मार्केट्स में भी कुछ ऐसे ही होता है। अक्सर किसी खास सेक्टर की कोई पुरानी दिग्गज कंपनी किसी नए कंपनी के सामने फीकी पड़ने लगती है। इन कंपनियों के बीच गुलाबों सितावों की तरह खटपट तो नहीं होती, लेकिन कारोबारी मुकाबला तो जरूर रहता है। निवेशक इसी मुकाबले का फायदा उठाते हैं। निवेशक कमाई कराने वाले मोहरे पर दाव लगाते हैं और पोर्टफोलियो से उन शेयरों को आउट कर देते हैं जिनमें पैसा बनाने की उम्मीद अब नहीं होती है। तो चलिए करना क्या चाहते हैं हम लोग, तो दो जनरेशन का फर्क, उनके बीच में खटपट, उस पर फोकस था। तो हमने सोचा क्यों ना शेयर बाजार में भी आपने देखा होगा जो तमाम सेक्टर्स हैं उसमें आपको गुलाबों और सितावों नजर आएंगे। आप शेयर बाजार के गुलाबों सितावों क्या, उस तरह की कंपनीज जो ओल्ड गार्ड हैं, पुरानी दिग्गज कंपनीज हैं अपने स्पेस की, अपने सेक्टर की, वो आपको नजर आएंगी। और साथ साथ हर उन सेक्टर्स में आपको एक तरफ न्यू एज स्टॉक्स नजर आएंगे जो कारोबार करने का तरीका शायद बदल रहे हैं या अपने आप को बहुत स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं या नए एवेन्यूज उस सेक्टर में वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और स्ट्रीट ऐसे चैलेंजर्स को लेकर ज्यादा खुश होती है, ज्यादा इंथ्यूज रहती है, ज्यादा बेहतर पी मल्टीपल्स मिलते हैं। तो हमने सोचा अब वो सिताबों को हाईलाइट करा जाए और बताया जाए ऐसी कौन सी न्यू एज स्टोरीज हैं जिन पे दाव लगाना एक बेहतर रणनीति होगा। नीरज जी आइडिया ठीक है, इस पेशकश में इतना ही। IRCTC, एफिल इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, दिवीज लेबोरेटरीज और अदानी गैस जैसे स्टॉक्स हैं, न्यू एज स्टॉक्स हैं, इनको अपने रडार पे रखिएगा। और नीरज जी ने हमें मूवी का रिव्यू